देश को आजाद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, कई सरकारें आई और गई, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। विकास गांवों से कोसों दूर है। आज भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बचपन चिमनी के सहारे अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। नेता मंच से दावे भले ही कर ले, लेकिन ये सब झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसे में मोदी जी की डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल की कयावत सिर्फ मजाक ही लगती है। ये गजब घटना नरसिंहपुर के विकासखंड चिचली के पास एक गांव की है। ये इलाका होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ वर्तमान सांसद भाजपा से राव उदय प्रताप सिंह हैं। इसी चिचली विकासखंड में जहाँ लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिला और न ही किसी प्रकार का मीटर या बिजली मिली, इस गांव के उपभोक्ताओं के घर बिजली नहीं पहुंच पाई है। पावर कॉरपोरेशन 7 से 8 महीने से बिजली के बिल भेज रहा है। गांव वालों की माने तो किसी योजना के तहत यहां पर बिजली वाले आए थे और गांव वालों से फॉर्म भी भरवाए थे। गांव के लोगों से दस्तावेज जमा करवा लिए गए। बिजली कर्मचारियों ने कहा जल्द ही कनेक्शन दे दिया जाएगा। 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जबकि इन गांवों में पोल व तार तक नहीं लगाए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि अभी तक बिजली आई नहीं और पिछले 7 महीने से घर पर बिल भी आ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं के पास बिल आ रहे हैं, जबकि घर में एक बल्ब भी नहीं चल रहा है। बिजली कर्मचारियों ने सभी दस्तावेज जमा कर लिए थे। घर में बिजली का कनेक्शन अब तक नहीं दिया गया है। कई बार शिकायत करने पर कुछ सुनवाई नहीं हो पाई है। सवाल तो यह है कि क्यों हमारे नेता बड़े बड़े वादे करके भूल जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद गांव लौटकर कोई नहीं आता है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और जनता को हिसाब लेने का मौका मिल गया है। जनता पूरे 5 साल का हिसाब लेगी, नेता अपने किए गए वादे पर कितना खरा उतरे हैं। क्या हो गया भाई? बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? हाँ। और बिल आ रहा है? बिल आ रहा है। मीटर वगैरह कुछ नहीं लगा है? कुछ नहीं लगा। किसी से शिकायत वगैरह नहीं किया आपने? फॉर्म लगा दे भर का। अच्छा, और फिर बिल आने लगा? बिल आने लगा। कब से आ रहा है आपका बिल? 6 महीना। 6 महीने से आ रहा है? हाँ। मीटर वगैरह कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं। लाइट है आपके घर में? नहीं है। अंधेरे में ही रहते हो? अंधेरे में। बिजली के खेमतलिया करके एक गांव है जहां पे 20 से 25 मकान बताए जा रहे हैं जिनमें विद्युत की अभी कोई सुविधा नहीं है और ना ही मीटर लगा हुआ है, उसके बावजूद उन लोगों के बिल आ रहे हैं 6 महीने से। अच्छा। वो अभी खेमतलिया का जो आपने अभी शिकायत अभी आई है, इस संबंध में हमने अपने जेई से भी जानकारी ली है। एक्चुअल में ये वार्ड क्रमांक 11 है, चिचली का नगर परिषद के एरिया में आता है। अभी वर्तमान में वहाँ क्या है कि कृषि के लिए जो लाइट 10 घंटे उपलब्ध है, उस एरिया में भी वही लाइट उपलब्ध है, संभवतः जिस वजह से उसको रात में लाइट मिलने से लोगों को परेशानी चल रही है। और वो 10 घंटे जो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनको जो अपन मिनिमम MPRC का रूल 50 यूनिट का बिल जो रहता है मिनिमम, उसी का कर रहे हैं। और ये वार्ड क्रमांक 11 के जो विद्युतीकरण का कार्य है, जो कि बढ़िया एज पर रूल जो विद्युतीकरण अपना होना चाहिए, उसका कार्य एक्चुअली NTPC के माध्यम से नगर परिषद को कराया जाना है। उसका हमने उनको एस्टिमेट प्राक्कलन बना के दे दिया है। संभवतः नगर परिषद से भी बात हुई थी तो उनको अभी राशि का आवंटन नहीं हुआ था, जिस वजह से वो मिल नहीं पाई है। लेकिन ये क्या है कि 1-2 महीने की प्रक्रिया में ये कार्य हो जाएगा और उनको पूरी 24 घंटे बिजली मिलना चालू हो जाएगी।